उत्तराखंड से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यह है, यहाँ पर एक लड़की को हैवानियत का शिकार बनाया गया। महज 19 साल की इस लड़की को किसी रिजॉर्ट के मालिक ने किसी स्पेशल गेस्ट को विशेष सेवा देने का ऑफर दिया था। इस बात को सुनते ही इस लड़की ने मना कर दिया और उसके बाद अचानक ये बेटी गायब हो गई। वहीं अब खबरें सामने आई है कि अंकिता को हैवानों ने अपनी हैवानियत का शिकार कर लिया। लड़की ने अपने दोस्त के साथ हुई बातचीत और लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि वो किसी खतरे में थी। कॉल से ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। अंकिता के घर वालों की ओर से जताई गई अनहोनी की आशंका के चलते वहीं पुलिस ने रिजॉर्ट पर ताला जड़कर वहां मौजूद 6 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं युवती की गुमशुदगी दर्ज कराने वाला रिजॉर्ट का मालिक और मैनेजर अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई इस लड़की के मामले में लगातार नए नए तथ्य सामने आ रही है। फिलहाल अंकिता ने अपने दोस्तों को चैट में कहा था कि उसके ऊपर रिजॉर्ट में आए वीआईपी को खुश करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में बीजेपी नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में अब क्या कुछ होता है। खैर, खबर मिली है कि इस तरह का संगीन आरोपियों का घर गिरा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।